तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर न्यू क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है दोस्तों। एक न्यू क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो यह है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन नहीं है, यह सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन जो जनरली हमसे पूछा जाता है वो सिंपल किसके बीच में रखे एंड के बीच में पूछा जाता है, स्लिट के एंड के बीच में से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा कि एक स्लिट का तो एंड है, दूसरा उसके मिड पॉइंट से जो पॉइंट है उसके बीच से क्या डिफरेंस रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी फर्स्ट मैक्सिमा की। अब हम अगर कंडीशन जानते हैं उसकी, फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, और जनरल कंडीशन अगर हम देखें तो मैक्सिमा की जनरल कंडीशन क्या होती है, सिंगल डिफ्रैक्शन में तो डिफ्रैक्शन उल्टा चलता है उसका, इंटरफेरेंस चलेगा, मिनिमम पूछा होता है तो मैक्सिमम की कंडीशन चलती है। तो हमारी डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में क्या कंडीशन चलेगी उसकी, मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम की हम जनरल कंडीशन अगर देखें पार्ट डिफरेंस की तो आएगा डेल्टा एक्स इजिकल टू टू एन प्लस वन इंटू लेमडा डी बाई टू डी लेमडा डी बाई टू। तो कंडीशन किस में चलती है, हमारी चलती है इसमें मिनिमम है। अब हम इसे अगर सोल्व करें जैसे हमें फर्स्ट पूछा उसमें, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू एन प्लस वन लेमडा डी अपॉन टू, ठीक है। अब जनरल कंडीशन है ये, अब फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू वन रख देंगे तो कितना आ जाएगा जनरल यहाँ से थ्री लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी थ्री लैम्डा बाई टू। ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितना थ्री लैम्डा बाई टू हमारे पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमें मिल गया किसके लिए, मिड पॉइंट के उसके बीच मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में कितना थ्री लैम्डा बाई टू, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, ठीक है। अब इसने पूछा ये तब था, तब क्या हमारे टर्मिनल के बीच में पूछा, मतलब स्लिट है स्लिट के एंड्स के बीच में अगर हमसे पूछा होता। लेकिन इसमें क्या दिया, एक स्लिट का तो एंड है दूसरी का मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ कर देंगे हम, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स डैश जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लैम्डा थ्री लैम्डा बाई फोर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, इसका फेज डिफरेंस पूछा, तो फेज डिफरेंस का रिलेशन हम जानते हैं क्या होता, डेल्टा फाई इजिकल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या हमारा पार्ट डिफरेंस है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी थ्री लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा से लैम्डा गया टू से टू गया टू है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये आंसर आएगा थ्री पाई बाई टू। तो पे डिफरेंस तो हमारा फेस डिफरेंस आ गया तो कितना आ गया थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू कौन सा ये ऑप्शन है इरेज हो गया, तो थ्री पाई बाई टू कितना थ्री पाई बाई टू, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू एवरीवन।